तो देखो प्यारे बच्चों, इस वाले सवाल में क्या है कि ये कह रहे हैं कि भाई ये मैचिंग वाला बार बार आया बहुत ज़्यादा, और मैं तो बहुत ज़्यादा इसे बोर हो गया हूँ भाई यार। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम ए अगर तुम देखोगे तो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, एम बी आर। तो एम बी आर का डायमेंशन ऑफ मास का हो गया, एम वेलोसिटी का हो गया, एल टी माइनस वन, और इसका एल आ गया, तो ये आ जाएगा एम एल स्क्वायर टी की पावर माइनस वन। तो एम एल स्क्वायर टी की पावर माइनस वन, देखो फर्स्ट का देखो कौन सा मैच कर रहा है, तो एम एल स्क्वायर टी की पावर माइनस फर्स्ट का मतलब थर्ड से मैच कर रहा है, तो फर्स्ट का हो गया थर्ड। मतलब ये सही नहीं है, ये सही नहीं है, ये सही नहीं है, सेकेंड ऑप्शन सही है। टॉर्क का निकालो भाई डायमेंशन फार्मूला। तो टॉर्क का निकालोगे तो टॉर्क इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स मल्टीप्लाइड बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स का आ जाएगा एम एल टी माइनस टू, और लेंथ का आ जाएगा एल, मतलब ये आ जाएगा एम एल स्क्वायर टी की पावर माइनस टू। तो एम एल स्क्वायर टी की पावर माइनस टू मतलब इसका फर्स्ट के साथ मैच हो रहा है। सेकेंड अगर इसमें देखोगे सी, तो सी ऑप्शन देखोगे स्ट्रेस। स्ट्रेस क्या होता है भाई, स्ट्रेस जो होता है वो होता है फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया। तो फोर्स का होता है एम एल टी माइनस टू, और एरिया का एल का स्क्वायर। तो इसका मतलब ये हुआ एम एल की पावर माइनस वन टी की पावर माइनस टू। तो इसका मतलब ये हुआ स्ट्रेस सी का जो है सी का एम एल की पावर माइनस सी का फोर्थ के साथ मैचिंग हो रहा है। प्रेशर ग्रेडियंट अगेन वही बार बार पूछ रहा है, तो प्रेशर ग्रेडियंट जो है बार बार वही पूछ रहा है। तो प्रेशर ग्रेडियंट इज इक्वल टू प्रेशर चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू लेंथ। तो प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ। फोर्स का आ जाएगा एम एल टी माइनस टू, और यह आ जाएगा एरिया एल स्क्वायर, और यह आ जाएगा एल। तो एक एल खत्म हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि एम एल की पावर माइनस टू टी की पावर माइनस टू। तो एम एल की पावर माइनस टू मतलब ये सेकेंड के साथ मैच कर रहा है। कुल मिला के सेकेंड ऑप्शन सही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, अपना बहुत ख्याल रखो, मोटिवेटेड रहो।